3, 2, 1, 0। भारत के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान 3 बुधवार को पृथ्वी के इकलौते उपग्रह की पांचवी और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल हो गया है। अभी चंद्रमा की सतह के और करीब आ गया है। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में दाखिल होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों अलग होने के लिए तैयार है। इसरो ने कहा कि 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैरियर और लैंडर को अलग करने की योजना है। With this, I think now the propulsion system will say goodbye to the lander. Tomorrow it will separate the lander, and the lander will have its own first initial checkups because many systems have as of now propulsion system has taken there, but the four thrusters, main thrusters, which will enable the lander to have a smooth and soft landing, secured landing on the lunar surface, that need to be tested, and then it will take its own course to go for the near 100 to 30 kilometer orbit. 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, जिसके बाद ये 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में दाखिल हुआ और उसके और करीब पहुंचता गया। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की पूरी क्षमता दिखाने के लिए चंद्रयान 2 के बाद का मिशन है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ध्रुवों पर स्थापित करने का अभियान आगे बढ़ रहा है। इसरो चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे चंद्रमा से उसकी दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। Both Vikram and Pragyan will have a couple of selfies, I think, to start with. So, to announce the world as Indian system has landed on the moon and it's going around the moon also. I think that is the initial whole thing, the whole nation, Indians are looking for that. Yes, India has landed and Indian-made system is moving around in the lunar surface. I think that we will be able to look at possibly August 23rd, if not August 24th, with some processing coming down. लैंडर और रोवर के पास चांद की सतह पर कई प्रयोग करने के लिए कई वैज्ञानिक उपकरण भी हैं।